गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल बताए थे, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दिए थे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन बता दिए थे और न्यूमेरिकल आप लोग को करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होइएगा। आगे एक टर्म बताए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसके लिए भी डिस्कस किए थे कि किसी पार्टिकुलर मोमेंट में जो हमारा स्पीड या वेलोसिटी होता है या किसी भी व्हीकल का किसी भी पर्सन का स्पीड और वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। नाम से ही क्लियर है, किसी इंस्टेंट में, क्लियर है किसी मोमेंट में, तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। जब क्लास 11th का हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय कैलकुलस से इसका एक्सप्रेशन डिराइव होगा, एकदम टाइम इंटरवल को लेता है 10 to 0। चूंकि कैलकुलस का यूज क्लास 9 में नहीं है तो इसलिए हम लोग एक तरह से याद रखते हैं कि जब भी हम लोग को एवरेज लेना है तो थ्रू आउट लॉन्ग जर्नी के लिए बात करते हैं और इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो शॉर्ट इंटरवल के लिए बात होगी। ओके, तो अब आ जाते हैं मोशन, रेस्ट एंड मोशन के चैप्टर मेन में, जहां से एवरेज को हम खत्म कर लिए हैं, वहां का न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तो अब मेन में आते हैं, यहाँ पे हमारा टर्म आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उसका डेफिनेशन आइए देखते हैं। स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन, यहाँ ध्यान रखिएगा ये लाइन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वी को लिखे क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये जो रेट ऑफ है इसका मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड किया गया हो, अदरवाइज बहुत सारा बुक क्या लिखेगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम को हटाने के लिए एक स्टैंडर्ड सा लैंग्वेज लगता है रेट ऑफ चेंज इन, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, यहाँ फिगर में दिखाया है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एस है, तो वी इज इक्वल टू तो लिख दिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये डेल्टा टर्म क्यों लगा, सबसे पहले समझे कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहाँ हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज। ये चेंज कैसा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो आपका आया है कोई भी डिनोशन माइनस इनिशियल उसको कहते हैं चेंज, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा क्यों लगा है, तो देखिए हम किसी भी पर्सन का अगर देख रहे हैं जर्नी तो देखेंगे, सपोज वो कहीं किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे है, सपोज वो स्कूल से निकला है और मेन रोड पे आया है, तो हम मेन रोड से उसके घर तक की जर्नी को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन वो जब स्कूल से निकला था, जैसे यहाँ हम बात किए हैं कि पर्सन ए से बी तक चला है, लेकिन हो सकता है ये मोशन अपना स्टार्ट किया हो ओ से, तो ओ से ए भी तो कुछ चला होगा, सपोज S1 चला होगा, और ओ से बी कितना चला होगा, तो सपोज कर लीजिए S2 चला होगा। तो ए से बी ये कितना चला, तो S2 माइनस S1 कर देंगे, यही जो S2 माइनस S1 है इसी को क्या कर दिए हैं डेल्टा S। ओके, लेकिन अगर यहीं पे स्टार्ट ही ए से होता और ये बी पे पहुंचता है तो ये डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम वे टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये माना गया है कि इस बीच में जितना टाइम लगा है, तो अगर यहाँ से हम उसको देख रहे थे तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम माइनस यहाँ से यहाँ आने का टाइम उसको डिडक्ट कर दिए हैं, तो हमको आ गया है डेल्टा टी। आप S/T भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, इसका यूज करेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ ये स्पीड था वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी देखिए डेफिनेशन लगभग सेम है, रेट ऑफ चेंज इन, यहाँ भी है रेट ऑफ चेंज इन, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे हम एरो डाल दिए हैं ऊपर में, ये जो एरो डाला हुआ है ये इसलिए डाला हुआ है कि ये स्केलर क्वांटिटी था और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और भी कुछ टर्म्स हैं लेकिन ये हायर क्लास में क्लास 11th में डिस्कस होगा। सिंपल वे में अभी समझ रहे हैं कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो v इज इक्वल टू क्या लिख दिए डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, लेकिन यहाँ v वेक्टर का साइन है यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम स्ट्रेट लाइन पाथ चलते हैं और यूनिडायरेक्शनल मोशन रहता है, देखिए a से b की तरफ यहाँ भी गया और a से b की तरफ यहाँ भी गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है,
बस इसके पास डायरेक्शन है तो दोनों का एक्सप्रेशन लगभग सेम होता है, लेकिन जब यही लौट करके बैक आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, यानी वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, बट स्पीड रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, इतना तक फिलहाल मानते हैं हम जान रहे हैं, आप लोग समझ चुके हैं। इसमें एक दो टर्म और जानिए, स्पीड को हम प्रीवियस एवरेज स्पीड वाले वीडियो में भी बताए थे कि स्पीड स्केलर होता है बट वेलोसिटी वेक्टर होता है, वहीं पे डिस्कस हो गया था यूनिट का भी, और जो मेजरमेंट चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे उसमें भी हम यूनिट का डिस्कशन कर दिए थे। तो इस चैप्टर को अभी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाने में फिलहाल हम ये मानते हैं कि मोशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो इसके आगे का हम काम करते हैं, उसमें आपको आएगा तीन इक्वेशन मोशन का, तीन इक्वेशन को यहाँ डिराइव करना है, जो तीन बेसिक इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। तो उस डिराइव करने के लिए भी जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो कैलकुलस मेथड से डिराइव होगा, लेकिन क्लास 9 में आपके बुक में ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, हमने फिलहाल ग्राफ आपको नहीं पढ़ाया है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अभी उस तीनों एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली डिराइव कर देते हैं और उसके बाद आगे हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल में आ जाइएगा। उस न्यूमेरिकल में आने या फिर डिराइव करने से पहले एक हमारा और टर्म है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब तो क्लियर समझ गए होइएगा, जैसे ही नाम आ गया वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्या लिखते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको वी माइनस यू बाई टी भी लिखा जाता है। कब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पीड था यू, यहाँ पे स्पीड था वी, और यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम इंटरवल यूज हुआ हो टी, तो इस ए को वी माइनस यू बाई टी लिख देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है पता है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को नहीं बताया है। ओके, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सलरेशन आपको हम बता चुके हैं, यूनिट ऑफ एक्सलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेजरमेंट चैप्टर में बताते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी ऐसे बाद में इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा, फिलहाल इसको नोट करके आप लोग न्यूमेरिकल बनाते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको अभी मैथमेटिक्स से लेते हैं, मैथमेटिकल मेथड लेते हैं, मैथमेटिक्स इस वी में हम ले चलते हैं, ग्राफ में अगले क्लास में प्रूफ करेंगे। तो मैथमेटिकल मेथड्स जो आपका वे है उसमें हम मानते हैं कि कोई बॉडी ए से बी तक गया है, इसमें यहां से मोशन हो कहीं और से स्टार्ट किया होगा बट यहां से भी स्टार्ट किया हो, तो सपोज यहाँ का स्पीड जो उसका था या वेलोसिटी उसका था वो यू है, और आफ्टर टाइम इंटरवल टी सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाता है वी। फिर हम स्पीड और वेलोसिटी बार बार बोल देते हैं तो कंफ्यूज नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों सेम ही होता है, बस डायरेक्शन है वेलोसिटी के पास जो अभी दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे इसका स्पीड या वेलोसिटी इनिशियल स्पीड था यू, आफ्टर टाइम इंटरवल टी सेकेंड इसका स्पीड हो गया वी, इस दरमियान इसने डिस्टेंस कवर किया एस और एक्सलरेशन थ्रू आउट द पाथ रहा ए। अगर हम ऐसा कंसिडरेशन करते हैं ओके, तो फिर इसमें आगे कैसे हम डिराइव करें, तो यहाँ सिंपल वे में हम लिख सकते हैं वी नो दैट क्या, देखिए यहाँ ये एक्सप्रेशन है मेरे पास ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, कैसे हुआ तो सिंपली डेल्टा भी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी वहां देख सकते हैं फिगर में वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो जब स्टार्ट किए थे मोशन तो टाइम टी था, जब इंड कर रहे हैं मोशन को या वेलोसिटी भी है तो टाइम टी है, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल लिखिएगा तो क्या लिखाएगा टी माइनस जीरो, तो इस टी माइनस जीरो को डायरेक्ट टी भी तो हम लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिख दिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी माइनस यू, दैट इम्प्लाइज अगर हम यू को इधर ले आते हैं तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन ये हो गया। ओके, अब आते हैं अगेन दूसरे इक्वेशन के लिए, तो फिर आप जानते हैं वी नो दैट
फ्रॉम मैथमेटिक्स चल रहे हैं यहाँ भी, आप जब भी एवरेज निकालने कहें और दो पॉइंट के बीच में आपको स्पीड दिया हुआ है, दो स्पीड दिया हुआ है, तो वी एवरेज को क्या लिखिएगा आप, यू प्लस वी बाय टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एवरेज जब भी निकालते हैं, मान लीजिए 5% के एज का एवरेज निकालना रहता था, क्या करते हैं, पांचों के एज को सम कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। सेम वे यहाँ की है कि मेरे पास दो वेलोसिटी था अवेलेबल, दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर दिए। ओके, बट वी एवरेज यहाँ यूज करें, बट वी एवरेज आप ये भी तो पढ़े थे एस बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन थ्रू आउट द जर्नी। अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें तो यू प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू हो गया एस अपॉन टी। ओके, यू तो ठीक है, वी का देखिए यहां से वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, यू प्लस ए टी अपॉन यहां टू था एस अपॉन टी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर एस को यहां रख लेते हैं और टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी होगा, u प्लस यू 2u, ए टी यहां हो गया, 2 नीचे रहा और ये t आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको एक बार और 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब इसको अगर आप सेपरेट कर लेते हैं, इसको फिर हम यही लिख देते हैं, इसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो सेपरेट में क्या आएगा, S इज इक्वल टू देखिए ये S इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, रीअरेंज कर लीजिए, देखिए 2 कट गया, S इज इक्वल टू यू टी, ये जो 2 है इसको जरा सा ऐसे अरेंज कर लिए तो हमारा जो ये इक्वेशन निकल गया, ये निकल गया S अपॉन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में। दूसरा हमारा हो गया डिस्टेंस का एक्सप्रेशन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में। और तीसरा एक्सप्रेशन भी निकलता है, वो निकलता है डिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में। ओके, तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं इसको। ये आप इसको नोट कर लिए हैं। अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट था इसको हम मान ही लेते हैं, इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 और बेसिक तीसरा जो इक्वेशन है उसके लिए स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी है, क्या करते हैं इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा था क्या, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ओके, एलएचएस फिलहाल रहने देते हैं, इसको ब्रेक कीजिए, यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। यू स्क्वायर को रख लेते हैं और इसमें से देखिए कॉमन कुछ हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, तो हम 2a कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ तो 2a हमारा कॉमन हो गया है, क्या बचा ut, और इसमें से देखिए 2 था नहीं तो 1/2 लगा दिए, 2 जो हम कॉमन लिए ये 2 तो यहाँ था नहीं तो हम क्या किए 1/2 लगा दिया। अब आप ब्रैकेट के अंदर कीजिएगा तो देखिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर था उसमें से एक ए निकाले हुए हैं तो यहाँ बच गया ए और टी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ओके, आपको अगर इसको समझने में परेशानी हो तो एक बार इसको अंदर करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों मिलके ये आ जाएगा और इसे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को गौर कीजिए, ये कितना के बराबर है, इक्वेशन सेकेंड के बराबर है कि नहीं। ओके, तो हम बस वही वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहा और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। इस तीनों के बेस्ट आपके एनसीईआरटी में भी है, फाउंडेशन में भी है, आईआईटी फाउंडेशन बनाते हो वहां भी है, या डिफरेंट जो भी बुक आप बनाते हैं, क्लास 11 से कुछ बुक उठाइएगा उसमें भी दिया हुआ है। तो ये मैथमेटिकल मेथड से हम बता दिए हैं, इस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस कवर्ड इन एनएफ सेकेंड बता के और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और आप लोग का जो भी कमेंट होगा उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज प्लीज आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, न्यू जो है चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए और इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिए, जो भी आपसे नहीं बन रहा है वो सारे को हम यहाँ पे
जरूर सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही सब कुछ है, तो सेव एनर्जी, सॉल्व न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।